और मैं लेकर आई हूँ आज बहुत ही मजेदार सी खट्टी मीठी पीले कद्दू की सब्जी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है। आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। आप कभी भी मंदिर या भंडारे में कहीं गए होंगे तो आपने वहाँ पे कद्दू की सब्जी जरूर खाई होगी। इसे आप पूरी, पराठे, किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं ये सब्जी को बनाऊंगी अपने कुमाऊनी तरीके से, जैसे हमारे पहाड़ों में शादी बरातों में ये सब्जी बनाई जाती है। तो बिना देर करे देख लेते हैं आज की मजेदार सी रेसिपी। अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कर दीजिए। नमस्कार, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो शुरू करते हैं आज की मजेदार रेसिपी। मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ये कद्दू लिया है और ये पीले रंग का कद्दू देखिए इस तरीके से मैंने इसे पहले अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले जो ये सेंटर का जो ये पार्ट है, ये जिसमें सीड्स वगैरह है, ये सारा हमें बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर ये थोड़ा सा भी रह जाता है ना तो सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए जो ये सेंटर वाला पार्ट है इसे हम पूरा निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए ये इस तरीके से निकाल लेना है हमको, ये बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कद्दू के सेंटर में। अब बस इसे बाहर से हम इस तरीके से छील लेंगे। तो मैं इसको पहले पूरा छील लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ हमें इसके कितने बड़े पीस करने हैं। तो यहाँ पे कद्दू को मैंने छीलने के बाद एक बार और अच्छे से वॉश कर लिया है। तो बस ये सारे मैंने इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं, अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कद्दूओं का थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीस रखूँगी, क्योंकि जो कद्दू है ना बहुत जल्दी से पक जाता है, तो बिल्कुल चटनी वाला फ्लेवर यहाँ पर हमें कद्दू का नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे कद्दू को हमें ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है। ये देखिए इस तरीके के टुकड़े रखे हैं मैंने बड़े बड़े से, तो टेंशन वाली बात नहीं है, कद्दू बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। तो बस इसे कुक कर लेते हैं। कद्दू की सब्जी को हम मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सरसों के तेल को गरम कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 4 से 5 ये सूखी लाल मिर्चें हैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो जो हमारा कुमाऊनी खाना है ना उसमें सूखी लाल मिर्च हमेशा से ही फ्राई करके खाई जाती है, तो इससे अच्छा स्मोकी कलर आ जाता है और तेल में भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो बस इसे कंटिन्यू स्टेयर करते हुए हम इसको इस तरीके से काला कर लेंगे। तो बस इसे मैं अलग से बर्तन में निकाल लेती हूँ सूखी लाल मिर्च को। आप चाहें तो उस पर छोड़ भी सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो मैंने इसे निकाल लिया है, अलग से खाने में ना बहुत अच्छी क्रिस्पी लगती है। तो बस अब यहाँ पे हमें आधी छोटी चम्मच के बराबर हमें यहाँ पे हींग लेना है। हींग का फ्लेवर कद्दू की सब्जी में बहुत अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच मेथी दाना लिया है, इसे डाल देंगे। और यहाँ पे 1 छोटी चम्मच के बराबर सौंफ लिया है, ये आप ज़रूर से डालिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कद्दू की सब्जी में। इन्हें हम क्रैकल होने देंगे। तो एक बार हम यहाँ पे इन सबको ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि जले ना और अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो ध्यान रखें यहाँ पे हमें जो ये सौंफ और मेथी डाला है ना इसे बिल्कुल काला नहीं करना है, हल्का सा जब ये गोल्डन कलर इस पर आ जाए और बहुत अच्छी खुशबू आ जाए तब हमें यहाँ पे ये कद्दू को ऐड करना है जो हमने कद्दू कट करके रखा हुआ है। तो बस ये सारे कद्दू को हम डाल देंगे। यहाँ पे मेरी फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है मैंने अभी, और अब हमें इन्हें एक बार अच्छे से चला लेना है। कद्दू को हम ऑयल के साथ एक बार अच्छे से भून लेंगे। तो अभी मैंने फ्लेम यहाँ पे मीडियम कर दी है जब हमने इस पर कद्दू डाले हैं। एक बार अच्छे से ऑयल के साथ इसको इस तरीके से हमने फ्राई कर लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब कद्दू ऑयल के साथ फ्राई होता है। अब मैंने यहाँ पे 1 से 2 आलू लिए हैं, इनको भी मैंने बड़ा बड़ा काटा है, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप खाते हैं तो आप यहाँ पे आलू डालें वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो पहाड़ी खाना है ना उसमें हर खाने में आलू डाला ही जाता है और आलू का कॉम्बिनेशन यहाँ पे कद्दू के साथ बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये भी मैंने थोड़े से बड़े साइज में ही रखे हैं। तो अब इनको भी हम बहुत अच्छे से भून लेंगे आलू और कद्दू। तो 4-5 मिनट हमें इनको भूनना है। बस अब इस क्या करना है, जो आपके मसालेदार में जो मसाले हैं वो थोड़ा थोड़ा करके सब डाल दीजिए। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 से 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। ये मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है, इसे भी डाल देंगे। अब इन मसालों के साथ हमें सब्जी को काफ़ी अच्छे से भून लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो ये मसाले हैं ये कद्दू के ऊपर कितने अच्छे से कोट हो गए और कितना अच्छा कलर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमने इस पे मेन इंग्रेडिएंट तो डाला ही नहीं, अब हम इस पे नमक डालेंगे। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं जितना भी आप नमक लेते हैं। तो इस तरीके से, और नमक डालने के बाद भी हम एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो नमक को भी हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएगी तो मैंने यहाँ पे आधे गिलास से भी कम का पानी का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगी और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाले और पानी को। तो पानी का इस्तेमाल यहाँ पे, अगर आपको ज़्यादा रस वाली सब्जी चाहिए तो आप यहाँ पे आधा गिलास या एक गिलास पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कद्दू की सूखी सूखी सब्जी बनाऊँगी तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आधे गिलास से भी कम का पानी डाला है। बस अब इसे हम लोग कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो बस ये मैंने कवर कर दिया है, अब हम इसे कुक होने देते हैं। तो यहाँ पे 4-5 मिनट के बाद हम लोग चेक कर लेते हैं सब्जी को। ये देखिए इस तरीके से ये लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक हो रही है, तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये प्रोसेस हमको 4 से 5 बार करना है। सब्जी को हमें बीच बीच में चेक करते रहना है और इसको हिलाते रहना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, कोई भी आप सब्जी पकाते हैं, पकाने के बाद आपको हर 4-5 मिनट के बाद उसको हिलाना पड़ता है। तो बस ये मैंने वापस से कवर लगा दिया है, अब मैं इसको 5-10 मिनट के बाद वापस से चेक कर ले रही हूँ। और ये रही हमारी सब्जी की कंसिस्टेंसी। तो देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमारी सब्जी कुक हो रही है और जो भी हमने इस पे पानी डाला था वो सारा पानी सोख हो चुका है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ तो कद्दू मेरा काफ़ी अच्छे से गल चुका है। ये देखिए ऐसे कच्ची से इसको तोड़ रही हूँ तो बहुत अच्छे से टूट रहा है। और ये मैंने आलू चेक किया, आलू भी हमारा कुक हो चुका है। तो मतलब हमारी 90% सब्जी जो है वो कुक हो चुकी है। तो इस स्टेज पे क्या करना है, आप सब्जी को टेस्ट कर सकते हैं आपका कद्दू कितना मीठा है और कितना आपको मीठे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही गुड़ ले रही हूँ क्योंकि मेरा जो कद्दू है ना वो काफ़ी अच्छा मीठा था, लेकिन हल्का सा मीठापन बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा गुड़ लिया है। आपका कद्दू कितना मीठा है उस हिसाब से आप यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने वापस से कवर लगा लिया था, अब यहाँ पे जो गुड़ है वो भी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो इसको भी एक बार इस तरीके से चला लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया और सब्जी हमारी कुक हो चुकी है। अब मैंने इसकी फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे एक इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे मैं लूँगी 1 चम्मच के बराबर आमचूर पाउडर। इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे और आप यहाँ पे कितना खट्टा लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे आमचूर को डाल सकते हैं। आप यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच भी ले सकते हैं या 2 चम्मच भी ले सकते हैं। तो जितना आपको मीठा खट्टा चाहिए उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने हल्का सा खट्टा हल्का सा मीठा यहाँ पे ये सब्जी बनाई है क्योंकि हमारे पहाड़ों में इसी तरीके से इस सब्जी को बनाया जाता है। बहुत मीठा और बहुत खट्टा हमारे यहाँ पे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो बस ये हमारी सब्जी बन के तैयार है, तो मैं इसको गर्मा गरम सर्व कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसको एक प्लेट में इसकी प्लेटिंग कर ली है। तो इस सब्जी के साथ आप अगर पूरी खाएंगे ना तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। पूरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है कद्दू की सब्जी में, एक बार आप ज़रूर से ट्राई करें। तो हमारे गांव घरों में कोई भी मंदिरों में पूजा पाठ होती है या शादी बारात होती है तो वहाँ पर कद्दू की सब्जी इस तरीके से बनाई ही जाती है और पूरी के साथ इसको इंजॉय किया जाता है। और आपने भी शहरों में देखा होगा भंडारे में या आप मंदिर में कहीं जाते हैं तो वहाँ पर कद्दू की सब्जी ज़रूर ही बनती है। तो ये सब्जी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो फ्रेंड प्लीज लाइक जरूर से कर दीजिए।